कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे। गुप्त नवरात्रि के जो महाविद्याओं की कड़ी में आज हम जानेंगे छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। आपको जो पिछली कड़ियाँ हैं उसमें मैंने आपको माँ की पांच जो है महाविद्याओं के बारे में बताया था, और उसमें जो माँ के प्रकट्य कथा थी वो है कि जब महादेव डर गए थे, जब देवी सती ने त्रिपुर भैरवी का स्वरूप लेकर उनके सामने ही प्रकट हो गई थी और कहा कि अर्थात मैं शिवा मैं ही हूँ और स्वयं भैरवी रूप से आपको अभय दान देने के लिए मैं प्रस्तुत हुई हूँ। सभी बंधनों को समाप्त कर भक्त के जीवन में माँ त्रिपुर भैरवी खुशियों का समागम करती हैं। इस कारण से उन्हें बंदी छोड़ माता भी कहकर बुलाया जाता है। जो ये छठी महाविद्या है इन माँ को आप बंदी छोड़ माता भी कहते हैं क्योंकि सब बंधनों से मुक्त कर देती हैं। ग्रंथों में माँ त्रिपुर भैरवी को चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, संप्रदा प्रदा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्रा भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। माँ का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही अलौकिक है और चार बुधाओं में और तीन नेत्रों सुशोभित इन देवी का रंग उगते हुए सूर्य की कांति के समान है और इन्होंने लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं। चार हाथों वाली इन देवी के गले में मुंडमाल शोभायमान है और ये कमल के आसन पर आसीन है। माँ के एक हाथ में जयमाला, दूसरे में पुस्तक, बाकी के दो हाथ क्रमशः वर एवं अभय मुद्रा में है। माता की चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं और इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती है। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। मतलब कि जब इन माँ की अगर आपके ऊपर कृपा हो जाए तो आपको षोडश कला संपूर्ण यानी कि 16 कलाओं से संपूर्ण, जैसे कि भगवान कृष्ण थे वो तो 32 कलाओं से संपूर्ण थे, पर षोडश कला संपूर्ण जो होती है संतान की प्राप्ति होती है। जल थल और नभ में इनका वचस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि देती हैं कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। माँ की अनन्य भाव से साधना करने वाले साधकों को जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ साथ आरोग्य, सिद्धि और धन संपदा और मनोचित वर व कन्या आदि की प्राप्ति भी होती है। मतलब ये जो माँ है ये रिद्धि सिद्धि की देवी हैं और ये जो है आपके सब जो भी कष्ट होते हैं उन्हें हर लेती हैं, क्योंकि इन माँ का नाम ही त्रिपुर भैरवी माँ है। नाम में ये त्रिपुर लगा हुआ है। ये जो त्रिपुर है इसका अर्थ है त्रिलोक अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा पताल व शब्द, भैरवी का अर्थ है भय का विनाश। अर्थ है देवी त्रिपुर भैरवी त्रिलोक में भय और पाप के विनाश हेतु स्थापित हैं। शब्द भैरवी तीन अक्षरों से मिलाकर बना है। पहला शब्द है भय यानी कि भरना यानी रक्षण की माँ सबका रक्षण करती हैं। दूसरा है रा यानी रमणा अर्थात रचना की वो रचना भी वही करती हैं। और तीसरा है वी यानी वमना अर्थात मुक्ति। मतलब ये तीनों चीज़ें जो हैं माँ त्रिपुर भैरवी से आप जो आपको मैंने ये शब्दों का अर्थ बताया है कि भय का अर्थ है भरना यानी कि भरण करने वाली और रक्षण करने वाली। दूसरा है रा रमणा अर्थात हर जगह रहने वाली। और तीसरा है वी या वमना अर्थात मुक्ति देने वाली। तीनों लोकों के अंतर्गत विध्वंस जो की शक्ति है वो भैरवी ही है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश विध्वंस व मृत्यु के स्वामी महेश्वर के त्रिपुरारी रूप की शक्ति है तथा यही महेश्वर के विध्वंसक प्रवृत्ति की देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं। विनाशक प्रति से युक्त देवी पूर्ण ज्ञानमयी हैं और विध्वंस काल उपस्थित होने पर तमस गुण प्रदात्री देवी अपने भयंकर उग्र रूप से महेश्वर संग उपस्थित रहती हैं और इनकी उपासना से जो है आपके सभी बंधन दूर हो जाते हैं। जो ये माँ है इनकी अगर आप उपासना करेंगे तो आपको कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कोई भी परेशानी हो ऐसी धन संपदा की या कोई भी आपको ऐसी परेशानी हो जिससे कि आपको मुक्ति ना मिल पा रही हो तो आप अगर माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करेंगे तो आपको उससे उन सब कष्टों से निजात मिल जाएगी। तो ये थी माँ त्रिपुर भैरवी की कथा जो कि 10 महाविद्या की छठी देवी हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे।